किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया है। इस बीच मोदी सरकार जल्द ही देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों को बड़ी सौगात दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि दोगुनी करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो किसानों को सालाना 6,000 की जगह 12,000 रुपए 4,000 की 3 समान किश्तों में मिलेंगे। बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 12.14 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इस बात की चर्चा उस दिन से है जब बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कुछ दिन पहले दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करने के बाद मीडिया से कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की रकम दोगुनी होने वाली है। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। अगर किसानों की बात करें तो उन्हें भी किसान सम्मान निधि बढ़ने की आस ही नहीं, विश्वास भी है। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ऐसा कर सकती है। योगी सरकार ने 4.5 साल तक गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही रेट बढ़ा दिए। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो सम्मान निधि भी बढ़नी ही चाहिए। महंगे डीजल की वजह से खेती की लागत बढ़ रही है, मजदूरी वैसे भी बहुत अधिक हो गई है। अगर मोदी सरकार किसानों की आय सचमुच दोगुनी करनी चाहती है तो उसे खेती की लागत घटानी पड़ेगी, और इसके लिए सबसे आसान है किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाना। बता दें कि मीडिया और गांव की चौपालों पर चल रही इस ऐसी चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने मंत्री के इस दावे की पुष्टि अभी तक नहीं की है। वहीं आम किसानों को भी ये उम्मीद है कि साल 2024 से पहले सरकार पीएम किसान की राशि में इजाफा कर सकती है। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक केंद्र सरकार 2,000 रुपए की 9 किश्तें जारी कर चुकी है। अभी 30 नवंबर तक बाकी बचे किसानों के खाते में 9वीं किश्त के पैसे भेजे जाएंगे। इसके बाद अगली किश्त 15 दिसंबर तक आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।